अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर इससे पहले कोई भी पिक्चर या फिर वीडियो व्यू वंस करके सेंड करते थे, यानी कि अगर आप लोग मेरे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देखें तो ये जो मेरे पास एक फ़ोटो आई हुई है जो मुझे किसी ने सेंड की है वो व्यू वंस करके सेंड की है। अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो उसके बाद मैं दोबारा इसको नहीं देख सकूँगा। तो व्हाट्सएप के ऊपर पहले ये होता था कि लोग इस तरह की पिक्चर या फिर वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेते थे, लेकिन अब व्हाट्सएप वाले क्या करने जा रहे हैं कि जब भी आपको इस तरह की कोई इमेज आएगी या वीडियो आएगी व्यू वंस या फिर आप किसी को सेंड कर करेंगे तो वो बंदा जो है इसका जो है स्क्रीनशॉट नहीं ले सकेगा। अगर आप लोग मेरे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर देखें तो ये एक पिक्चर मेरे पास आई हुई है। अब अगर मैं इसको यहाँ पर ओपन करता हूँ तो इसको यहाँ पर मैंने ओपन किया आपके सामने। अब ओपन करने के बाद अगर आप लोग देखें यहाँ पर तो ये पिक्चर जो है इसका हम स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हैं, लेकिन अब व्हाट्सएप वाले क्या करने जा रहे हैं कि इसके बाद क्या होगा कि जब भी आप लोग किसी को व्यू वंस करके कोई पिक्चर या फिर कोई वीडियो सेंड करेंगे तो वो बंदा उसका स्क्रीनशॉट जो है वो नहीं ले सकेगा। ठीक है, तो ये एक व्हाट्सएप की तरफ से अब नई अपडेट होने जा रही है, यानी कि एक प्राइवेसी फीचर है। इससे पहले क्या होता था कि लोग उस प्राइवेसी फीचर को ब्रेक करते थे और उसका स्क्रीनशॉट ले लेते थे जो भी कोई पिक्चर या फिर वीडियो आती थी व्यू वंस से, तो उसका वो आसानी से जो है स्क्रीनशॉट ले लेते थे। लेकिन अब व्हाट्सएप वाले कुछ ही अर्से में इसके ऊपर एक ऐसी लेयर ऐड करने जा रहे हैं कि आप लोग कोई भी इस तरह का स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल के साथ कनेक्टेड रहे, इंशाल्लाह फ्यूचर में जो ही ये अपडेट आएगी मैं आप लोगों को उसके हवाले से बताऊंगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को